भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र के बाजार संयोजक का सम्मेलन शुक्रवार को बाबीना रोड स्थित एक लान में संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व राज्य मंत्री अतुल गर्ग का आयोजकों ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण करके किया गया। क्षेत्रीय सम्मेलन में आगामी लोकसभा चुनाव में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी की सरकार को दोबारा बनाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, अजय अग्रवाल, संतोष कुमार गोयल, महेश वर्मा, योगेंद्र दुबे, रितेश जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए घर करने पे लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किससे खराब हो, इन पे अंकुश लगाना चाहिए। हम तो कहते 24 कैरेट सोना बन के दिखाने की जरूरत है। किसान को हर सामग्री में 75% सब्सिडी मिलती है। किसी व्यापारी समाज को कभी कर्जा माफ हुआ है? दुर्गरक्षनाथ की धरती पे स्वागत है। गर्ग जी जो कि हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश है, आपके जोरदार कार्यों के बीच में स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी उनका। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि आपके बीच में है जो कि प्रदेश संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ से हैं। आप सभी के एक जोरदार तालियों के बीच में उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगी। अनुरोध करूंगे हमारे मंच से सभी करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापार प्रकोष्ठ जिंदाबाद। इसी क्रम में मैं आवाज देना चाहूंगी हमारे महानगर पदाधिकारी गण को कि वो माल्यार्पण कर हमारे इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर कनक पुस्तक देकर हमारे अतिथियों का सम्मान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, हमारे व्यापारी भाई व्यापारियों की एक लंबे समय से मांग थी। व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी पिछली कैबिनेट में हमारे उसका निर्णय लिया गया, तो व्यापारियों के सुख दुख में शामिल रहे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस वीक जो लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी बड़े साफ तौर पे कहा है कि कोई भी गुंडा, मवाली, माफिया हमारे व्यापारियों को तंग ना करने पाए, तंग ना करे, इसके लिए पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और पुलिस ने जो अच्छे काम किए उसकी भी प्रशंसा की। तो हमारी सरकार
और सरकार के साथ साथ संगठन हमेशा जमीन स्तर पर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक, व्यापारियों तक पहुंचाने का काम करता है। उसी की कड़ी में आज इस क्षेत्र के सभी जो बाज़ार के प्रमुख लोग हैं उनके साथ एक बैठक है, उसमें हमारे माननीय मंत्री खाद रसद बड़े भाई अतुल गर्ग जी हैं, सम्मानित अजय अग्रवाल जी, विजय अग्रवाल जी हैं, सुधीर हलवासिया जी हैं। अब आप इसको 2019 के चुनाव से जोड़ के देखें या आम दिनों में भी हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं और उसी तरह से काम करते हैं, चुनाव को ध्यान में रख करके, या हमें चुनाव लड़ना है जैसे और पार्टियां केवल चुनाव के समय ही सामने आती हैं और तमाम तरह के झूठे वादों, खोखली बातों पर चुनाव जीतने का काम करती हैं, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा काम करती है सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण हो। उसी कड़ी में व्यापारियों के कल्याण के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है और पहली सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश में इस गठन का कार्य करने का काम किया है। तो सभी व्यापारी के प्रतिनिध करने वाले एक एक छोटी छोटी बाज़ार से भी लोग यहाँ पर आए हैं। वो कार्यक्रम है, कार्यक्रम के संयोजक देखिए ये कौन किसको आंख दिखा रहा है ये कहने की और इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो केवल यही कहूँगा कि हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबको साथ लेकर के और सारा सभी को अपने परिवार की तरह मान सम्मान देते हैं और सबको साथ लेकर के चलेंगे। गठबंधन हवा में है ऊपर। जैसे आपको याद होगा पिछली जब सपा की सरकार बनी तो पूरी दलित बस्ती की बस्ती फूंक दी गई और जब बसपा की सरकार बनी तो लोगों पर जबरी मुकदमे ठोके गए, मुकदमे लगाए गए। तो वो जो लोग दुखी हैं ज़मीन पर हवा के गठबंधन से, उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग के लिए काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे इसके लिए कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार पिछली बार से ज़्यादा 2019 में पिछली बार से 25 से 50 सीट प्लस करके आएगी, ये मैं आपको